Good morning, everyone. Slept like a baby. What a wonderful, wonderful morning. Amazing. Okay, so the plan for today is let's not indulge into something very hectic. आज थोड़ा सा आराम से रिलैक्स वाला दिन रखते हैं. तो सफारी वफारी पे आज मैं नहीं जा रहा हूँ, कल परसों देखेंगे. नाउ दैट आई हैव पार्क्ड माय सेल्फ हियर फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज, मेरे पास टाइम है एंड आई वांट टू हैव मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ, इतना क्यूरियस हूँ और क्यूरियोसिटी मेरी आपको आगे भी दिखाई देंगी. लेकिन फिलहाल हम इस कमाल के रिसोर्ट में हैं और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लोकल लोगों के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाऊँ, थोड़ा सा रिसोर्ट की सैर करूँ. पहले देखता कि ये लोग क्या ऑफर कर रहे हैं. एंड व्हेन आई से ऑफर, खाना पीना की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपीरियंसेस क्या ऑफर कर रहे हैं. एंड वंस आई एम डन विद दैट, देन आई विल डिसाइड कि आगे क्या करना है. दैट्स द प्लान राइट नाउ. ओके, लेट्स गो, लेट्स फाइंड समवन हियर. अभी हम रुके हैं एशियाटिक लायन लॉज शासन गिर गुजरात में. ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है. अगर आप नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ लग्जरी भी चाहते हैं तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है. आज हमने प्लान किया है कि आज हम इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करेंगे और इस जगह से जुड़े हुए किस्से और कहानियों को जानेंगे. ये जगह गिर लायंस के अलावा बर्ड वॉचिंग के लिए भी काफी चर्चित है. यहाँ बहुत सारे रेयर बर्ड्स, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं. गुड मॉर्निंग निकुंज. हम ये आपके शर्ट पे लगा देते हैं, ये माइक है. ओके ओके, निकुंज यहाँ के जनरल मैनेजर है और आज मेरा साथ देंगे इस जगह को घुमाने के लिए. ये क्या लिखा है ये सर? ये सर हमारा एक इन हाउस एक्टिविटी है और ये आउटसाइड भी एक्टिविटी है, पेड एक्टिविटी है. गेस्ट को यहाँ जो भी एक्टिविटी करवाते हैं. अच्छा, गेस्ट को पीछे गजेबो है हमारा, गजेबो में बैठ के गेम खेलना है, रीडिंग करना है, तो उनके लिए बुक्स भी देते हैं लाइब्रेरी. हम सामने गजेबो में चले. जी सर. ये अभी टोटल रूम्स आपके पास कितने हैं? सर हमारे पास 16 रूम है. 16 रूम. आपको पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ इस रिसोर्ट में? आपका जो ये लॉज है जी सर, वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है. एट द सेम टाइम जो है आप यू नो अलग अलग तरह के यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, बट यू आर लुकिंग फॉर मोर सीरियस वाइल्ड लाइफ या फिर सीरियस कंजर्वेशन पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए. तो मुझे लगा कि मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि बाकी तो सभी जगह पे मिल रहा है मुझे रिसोर्ट, बट ओवर हियर इट्स मोर इनटू मैंने यू नो मैं कल रूम में था, आप रिसाइकल करते हैं आपका पानी, शाम को आपकी लाइट थोड़ी सी और डल हो जाती है ताकि आप वाइल्ड लाइफ के लिए करते हैं वो सब चीज़ें रहें. ये ज़्यादा रिसोर्ट्स करते नहीं है. तो आई थिंक कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में इतना कंसिडरेट है तो ओवरऑल आपके साथ रहना एक्सपीरियंस अच्छा होगा. इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे. जी सर. जी सर. और यहाँ सर हमारा जो ये रिसोर्ट है जंगल के बीच में है. यहाँ पे लायंस वगैरह आते हैं क्या अंदर? सर अंदर तो नहीं आते हैं. यहाँ हमने बॉर्डर लगाई हुई है, पूरी बाउंड्री है. अभी तक का ऐसा कोई ऐसा हुआ नहीं है. बाहर की साइड दिखते हैं, गांव है वहाँ दिखते हैं. आपको रोडिंग सुनाई देगी सर. यहाँ रोडिंग सुनाई देती है? जी जी सर. फेंसिंग तो लगाई है, लेकिन लेपर्ड आराम से फेंसिंग के ऊपर से जंप मार, फेंस के ऊपर से जंप मार के आ सकता है. कभी हुआ नहीं है ऐसा? नहीं सर, लेपर्ड अंदर नहीं आता है. और कभी कभार यहाँ से निकलते हैं, उनका इवनिंग का टाइमिंग होता है कि वो वॉक करते हैं, पर इनसाइड कभी नहीं आते. अंदर नहीं आते? नहीं आते सर. साइड में गांव भी है, विलेज हरिपुर विलेज है, तो वहाँ लायन रहते हैं और लायन का वहाँ रोरिंग करता है, तो रोरिंग आपको यहाँ भी सुनाई देगी. वो बेस्ट है हमारा, जो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो बेस्ट रहेगा. आपने देखे हैं, मुझे बताया गया कि आसपास में यहाँ पे बहुत सारे लायंस हैं, तो
अभी तो आपने फेंसिंग की है यहाँ पे, लेकिन गेट के बाहर वॉचमैन वगैरह ने, आपके स्टाफ ने लायंस देखे हैं यहाँ पे? स्टाफ तो क्या सर, गांव में रहता है, कभी कभार आता जाता रहता है, बाइक लेके जाते हैं लड़के, तो बहुत बार देखा है सर, क्योंकि हम लोग बाइक लेके जाते हैं गांव में, तो रात को कभी कभार मिलता है। कितने दूर था लायन आपसे? हाँ मैंने सर ऐसे तो 2-3 फुट नजदीक भी देखा है बहुत बार। अच्छा, पर लायन तो सर राजा है, वो कहो नेचुरली वो दिखता है तो एकदम अलग ही मजा आती है, तो देख के हमको भी अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है। बट कभी अटैक नहीं करता ना सर, अटैक नहीं। आप भी उसकी बाउंड्री रिस्पेक्ट करते हैं? वो भी रिस्पेक्ट करते हैं सर। हाँ हम रुक जाते हैं, कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि वो बीच में आता है तो हम हमारा व्हीकल खड़ा कर देते हैं और वो हमें रास्ता दे देता है, फिर हम चले जाते हैं। काबिले तारीफ है यार, दिस इज लाइक अ कल्चरल शॉक। मतलब लायंस इस तरह से नहीं करते हैं, यू नो दे आर राजा, बट ऑफ कोर्स If they're hungry, they will attack you. But यहाँ पे मतलब hungry होने के बावजूद भी attack नहीं करते। Amazing, very nice. Okay, तो मुझे आप planning करने से पहले मैं कुछ आपका resort देखना चाहता था, beautiful resort। आइए बाकी का जो भी है आपके आसपास का area दिखाइए। अरे वाह, This is so pretty, Nikunj. बहुत प्यारी जगह है। एक रिक्वेस्ट है Nikunj, if that can be fulfilled. कल मैं ना सुबह का अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे बैठ के करना चाहता हूँ। Sure sir, करवाएंगे sir. Okay, एक झूला है बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना खाओ वहाँ पे जाके फैल जाओ। जी सर, sure करवाएंगे आपको, experience देंगे sir. ये एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है मैं अपने बचपन में पहुंच गया हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं, नीचे बैठने के लिए जगह है, यहाँ पे आप गप्पे लड़ा सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। ये फ्रूट्स क्या है मुझे पता नहीं, ये बहुत सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे, ये क्या है ये सब? सर ये उम्रो का पेड़ है। उम्रो गुजराती में उम्रो बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते सर? आइए मैं आपको सर बताता हूँ, ये पेड़ को इंग्लिश में सर फाइकस रेसमोस बोलते हैं। फाइकस रेसमोस है, वो शास्त्रीय लैंग्वेज है नहीं? और इसमें जो ये फल आता है, फ्रूट आता है, उनको टेटा बोलते हैं। टेटा बोलते हैं। अच्छा। ये पक जाता है, रेड हो जाता है, पहले ग्रीन होता है, फिर वो पक जाएगा, फिर रेड जैसा दिखेगा, और ये पक जाएगा बाद में, ये बर्ड्स बहुत खाते हैं ये। ओके। इसलिए आपको क्या नेचुरली बर्ड्स भी यहाँ बहुत दिखेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए ये सूट मिल जाते हैं डायरेक्टली इसलिए। और यहाँ नेस्ट भी बहुत है, हमारे यहाँ जो बर्ड है वो ये खाने के लिए आते हैं और नेस्ट भी बनाते हैं यहाँ। ओके। ये जो पेड़ है सर, हाँ जी, इनके लिए बहुत बर्ड भी यहाँ रहते हैं, उनके लिए एक ऐसा है कि इनका ओरा अलग है। ओरा क्या होता है? ओरा मीन्स के इनकी एक अलग एनर्जी है। आप यहाँ बैठेगे तो आपको पीसफुल लगेगा, एकदम शांति मिलेगी। यहाँ आप थोड़ी देर बैठेगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम मैं शांति लेने के लिए कोई अलग जगह पे आ गया हूँ, ऐसा लगेगा सर। और बहुत गेस्ट आके यहाँ योगा भी करते हैं सर आके। अच्छा जी सर, बर्ड चिरपिंग की आवाज आ रही है और It's pretty soothing to your ear. एक काम करता हूँ, मैं बैठता हूँ थोड़ा। जी जी सर। झूले पे बैठ सकता हूँ मैं? Yes, yes, sir. आइए आइए। Okay. I think this is going to be my favorite spot in your at your place. आइए बैठिए। एक सबसे अच्छी बात आपके आपके स्टाफ को भी बताइएगा, हमको सबसे अच्छे लगा कि आपने कल वो फिल्म दिखाई। मैं सच कहूँ आपको, मुझे लगता था कि गिर के लायंस ना बड़े डरपोक टाइप के हैं कंपेयर टू अफ्रीकन लायंस, बट मुझे यहाँ पे आके समझ में आया कि ये जो है इस तरह से जो ये रहना है बहुत बहुत रेयर है। मेरे लिए तो कल्चरल शॉक था कि इंसानों के साथ भी वो वैसे रहते, और वो टेरर है लेकिन इंसानों के साथ नहीं है। नहीं। और ये ऐसे बहुत जवाई, राजस्थान का नाम सुना है आपने? वहाँ पे तेंदुए इंसानों के साथ जीना सीख चुके हैं, तो तेंदुए ऐसे घूम रहे हैं और लोग ऐसे घूमते हैं वहाँ पे, नॉर्मल है वो। या फिर मसाई मारा अफ्रीका में, केनिया मसाई मारा में एक ट्राइब है मसाई मारा नाम का, वो लायंस के साथ रहते हैं, तो बहुत रेयर है ये। और हम तो बड़े हुए ही है ऐसे ऐसे कहानियों से, जैसे द मैन ईटर ऑफ चंपावत या फिर द मैन ईटर ऑफ साओ, तो हमें बताया गया कि ये जो कैट्स है, बड़े बिल्लियाँ, टाइगर लायन, दोनों बहुत खूंखार होते हैं। और फिर कोई आके मुझे बोलता है अरे वो तो आज यहाँ से निकल गया, वो तो वहाँ से निकल गया, तो यकीन मान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट देखते हैं क्या होता है, हम गांव घूम रहे हैं, देखते हैं गांव घूमते रहेंगे हम। बट अमेजिंग, वेरी नाइस। ये क्या है, ये बगल में क्या है? सर हमारे नेबर का ये फार्म है, वो सनफ्लावर है क्या? हाँ, वहाँ सनफ्लावर है, गेहूं है। दिस इज सो प्रिटी, क्या खूबसूरत लग रहे हैं, अमेजिंग। हम जा सकते हैं वहाँ पे? जी सर, जा सकते हैं, जा सकते हैं, फार्म विजिट कर सकते हैं। और वहाँ मैंगो भी है। मैंगो मुझे किसने कहा था? आप ही ने कहा था शायद स्टार्टिंग में। तो ये जो जगह है गिर, एक्चुअली मेरे लिए तीन रीजंस की वजह से मशहूर है। एक तो है लायंस,
दूसरा है, ये मुझे पता नहीं था, कल निकुंज भाई ने हमें बताया, आम यहाँ के बड़े मशहूर है। कौन से आम? केसर आम। केसर आम। और तीसरा गाय, गिर गाय, गिर की गाय बहुत मशहूर है। तो ये आपकी जिम्मेदारी कि जब तक मैं हूँ यहाँ पे मुझे गिर की गाय देखनी है। यहाँ पे गुड़ वगैरह बहुत कुछ बनता है, तो लायन के अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए। दिखाएंगे सर हम आपको, सब दिखाते हैं। जी सर। जैसे मैं आया हूँ आपके यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ, या फिर आप नॉर्मल टूरिस्ट को भी इस तरह का एक्सपीरियंस देते हैं? हाँ सर, नॉर्मल टूरिस्ट को भी सर हम बताते हैं ये सब चीज़, उनको जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है वो चीज़ हम उनको फिर एक्सप्लोर करते हैं और ले जाते हैं वहाँ। ओके, सब दिखाते हैं, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ के जो विलेज है, यहाँ का जो मैंगो फार्म है, फिर यहाँ ट्राइबल विलेज है, वो सब। हाँ, वो भी कीजिएगा, मुझे वहाँ पे भी जाना है। जी सर, हम सब बात करते हैं, फिर उनको जो इंटरेस्ट हो वो हम ज्यादा उनको दिखाते हैं सर। शहर के भीड़भाड़ से दूर नेचर के बीच रहना और यहाँ के लोगों से यहाँ की कहानियां सुनना एक अलग ही अनुभव है, इन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकते। निकुंज ने यहाँ के बारे में मुझे बहुत सारी जानकारी दी और अब निकुंज मुझे आम के बगीचे में लेके जा रहे हैं। आम का बगीचा देखकर मुझे तो भैया मेरा बचपन याद आ गया। ये हमारा मैंगो फार्म है, हमने वहाँ सर बाहर जो देखा था वो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं, हमारी गुजराती भाषा में उनको केसुडो बोलते हैं। केसुडो ये है क्या? किसी वो फ्लावर की बात कर रहे हो? ओके 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 सर। हाँ ओके, उसका क्या फायदा होता है? वो जो फ्लावर होता है वो साल में एक ही बार होता है। अच्छा। हाँ, और ये इनकी जो स्मेल है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, उसकी स्मेल के हिसाब से उसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। खुशबू बहुत ज्यादा होती है, खुशबू अच्छी होती है। हाँ, और इनका बहुत फायदा भी है, इनको होली के टाइम, यहाँ होली होती है, उनके पहले ही आते हैं फूल। इनका पानी में डाल के इसको बच्चे कलर बना के फिर वो यूज करते हैं होली के टाइम। वो फ्लावर का फ्लावर नेचुरली पानी यूज करते हैं, नेचुरल कलर आता है। और ये स्किन के लिए भी बहुत तो एकदम यूजफुल है। करे तीन चार निकाल लो, आज लगाएंगे हम लेप उसका फिर। सर 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 आपको देंगे हम। आम का सीजन कब का होता है यहाँ पे? सर वैसे अप्रैल और मई के आसपास आम निकलता है, ये जो अभी है फ्लावरिंग हुआ है, ये सब फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग है। हाँ, ये फ्लावरिंग हुआ, फिर अभी धीरे धीरे मार्च और अप्रैल के टाइम पे हमको इसमें से आम मिलेगा। अच्छा, इसमें से आम मिलेगा, मतलब वो फ्लावरिंग में से निकलता है? हाँ, ये फ्लावरिंग होता है, एक झुंड के अंदर कम से कम 20,000-25,000 जितने झुंड में छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। हाँ, उसमें से आपको एक या दो ही आम मिलेंगे इसके अंदर से। हाँ, इनका एक छोटा सा हिस्ट्री भी है सर। कैसे? साले आलम करके एक यहाँ के एक आदमी थे। अच्छा। वो 1931 के अंदर सबसे पहले 75 प्लांट लेके यहाँ आए थे। अच्छा। जो जूनागढ़ है उनके बाजू में वंथली गांव है। अच्छा। वहाँ 75 प्लांट लेके वो आए थे, फिर उसने यहाँ बोया था। अच्छा। और फिर उसमें से अच्छे फल निकले, केसर आम हुए, जो आम हुए उनको लेके फिर वो टाइम के जो राजा थे उनको कि ये आम केसर आम है। तो वो आम जो था उसको उनके पास लेके गए, तब वो देख के एकदम खुश हो गए, उसकी फ्लेम भी बहुत अच्छी थी, और उसको देखा तो उसमें ऐसा है कि ये जो आम है अंदर से एकदम केसरी कलर का होता है। केसरी, इसलिए इसका नाम केसर आम उसने कहे, ये आम को केसर आम बोलेंगे, तब से इनका नाम केसर आम बना है। अरे वाह, ये हमने खाया, बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी होते, बहुत मीठे होते। इन खूबसूरत रंगों को देख मैं अपने आप को रोक नहीं सका और निकुंज के साथ मैं खेतों की तरफ बढ़ गया। भाई साहब, ये नजारे शहरों में कहां देखने को मिलते हैं? चारों तरफ गेहूं के हरे भरे लहराते खेत, खूबसूरत सनफ्लावर तो देखते बनते हैं। यहाँ भी एक कोरिएंडर है, फिर ये ओनियन का है, वो माँ से वो काम कर रहे हैं सब, ओनियन बो रहा है, ओनियन के छोटे छोटे प्लांट है, फिर ये बाजू बाजू में जो गार्लिक का प्लांट है ये जो है वो,
और हम लोग हमारे खेत के अंदर जो भी ये वेजिटेबल हो रहा है वो गेस्ट को खाने में दे रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई कोई चीज़ नहीं होती है तो हमारे जो नेबर होते हैं उनके पास लेके हम उनको खिलाते हैं। कभी कभार उनके हाथ से ही काट के वो ले जाते हैं, फिर वो उनके सामने ही बनाते हैं। ऑर्गेनिक फार्म टू टेबल, वो एकदम जीता जागता उदाहरण है। चलो थैंक यू सो मच निकुंज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वापस चलिए क्योंकि अभी आपको टाइम हो गया है फार्म टू टेबल लेके आने का। जी सर, कहने का मतलब है कि मुझे भूख लग गई है, लंच करते हैं। यहाँ अगर आप अपने परिवार के साथ आते हैं तो आप यहाँ बहुत सारे गेम्स और एक्टिविटीज का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं।